नमस्कार। आज कक्षा 10 एक्सरसाइज 4.2 का हम पांचवा प्रश्न करने जा रहे हैं। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, हमें एक समकोण त्रिभुज कहा गया है, तो हम एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। इस समकोण त्रिभुज में जो आधार है, ऊंचाई जो है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि आधार को मानेंगे x, तो ऊंचाई जो है इससे 7 कम होगी, तो ये हो जाएगी x-7। और जो कर्ण है वो हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। ये प्रश्न है, ठीक है? तो आइए इसे देखते हैं। मान लो ऊंचाई आधार से कम है, तो पहले आधार पता होगा तभी ऊंचाई पता लगेगी। तो हम मानते हैं, मान लो आधार बराबर x सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी होगी? ऊंचाई हो जाएगी इससे 7 कम, यानी x-7 सेंटीमीटर। और इस समकोण त्रिभुज का कर्ण हमें दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज में, एक समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार हमें कहती है कि त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में एच स्क्वेयर बराबर होता है बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर के। और एच बी पी है क्या? ये जो कर्ण होता है इसको हम कहते हैं एच, ये जो आधार होता है इसको कहते हैं बेस बी, और ये जो लंब होता है इसे कहते हैं परपेंडिकुलर पी। ठीक है, तो हमें दिया गया है एच स्क्वेयर बराबर बेस स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वेयर। तो एच कितना है? 13 सेंटीमीटर, यानी कि 13 सेंटीमीटर का स्क्वेयर बराबर बेस कितना है? एक्स, यानी एक्स का स्क्वेयर प्लस परपेंडिकुलर कितना है? x-7, x-7 का स्क्वेयर। इसे हमें हल करना है। देखो, 13 का स्क्वेयर होता है 169 सेंटीमीटर स्क्वेयर, बराबर एक्स का स्क्वेयर होगा एक्स स्क्वेयर प्लस, ये बन गया a-b होल स्क्वेयर। और हमें पता है a-b होल स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है a² - 2 a (b) + b²। इसे हम हल करेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। x² + x² हो गया 2x², यहां लिख लो 169, माइनस 2 × 7 = 14 × x, 14x + 7 का स्क्वेयर होगा 49। अगले स्टेप में ये ऐसे ही लिखा, 169 यहाँ प्लस का है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ क्या बच गया? 0 बच गया। क्यों? क्योंकि ये तो उधर चला गया, बाकी बच गया 0। तो 0 बराबर ही आ गया 2x² - 14x, प्लस माइनस माइनस, 169 में से 49 माइनस करेंगे तो वो आ जाएगा 120, साइन बड़ी रकम का माइनस। ठीक है बच्चों, अगले स्टेप में ये देखो, ये दोनों ही 2 के पहाड़े में आते हैं, तो इसमें से 2 कॉमन, बाकी बच गया x² - 14 में से 2 कॉमन चले गया, तो बाकी रह गया 7x - 120 को 2 से भाग कर दिया, तो बाकी रह गया 60 = 0। अगले स्टेप में ये 2 इधर इसके साथ गुना हो रहा है, तो उधर जाके 0 से भाग होके बन जाएगा 0 बराबर x² - 7x - 60। तो ये अभी हमारे पास एक सिर्फ समीकरण आई है, x² - 7x - 60 = 0। अब हमें इस समीकरण को हल करना होगा। आइए देखते हैं। अब हमें इस समीकरण को हल करना है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वेयर के साथ यदि कुछ भी नहीं है तो 1 है, 1 को -60 से गुना कर दो तो हमारे पास आएगा -60। 60 के फैक्टर निकाल दो, 1 × 60, 2 × 30, 3 × 20, 4 × 15, 5 × 12, इतने सारे पहाड़ों में 60 आता है, और 6 × 10 के पहाड़े में भी आता है।
अब हमें इनमें से वो जोड़ा चुनना है जिसको प्लस या माइनस करके 7 आए। 60 और 1 61, 60 में से 1 निकाला 59, ये नहीं चाहिए। 30 में 2 प्लस किए 32, 30 में से 2 निकाले 28, ये भी नहीं चाहिए। हमें कितना चाहिए बच्चों? 7 चाहिए, बीच वाली रकम। 20 में 3 प्लस किया 23, 20 में से 3 माइनस किया 17। 15 में 4 प्लस किया 19, 15 में से 4 माइनस किया 11, ये भी नहीं चाहिए। 12 में 5 प्लस किया 17, 12 में से 5 माइनस किया 7, ये चाहिए हो सकता है। 6 में 10 प्लस किया 16, 6 में 10 में से 6 माइनस किया 4, ये भी नहीं चाहिए। इसका मतलब हमें जो जोड़ा चाहिए वो ये है, 5 और 12 वाला। तो हम क्या करते होते हैं, पहली रकम ऐसे ही, आखिरी रकम भी ऐसे ही, बराबर 0, यही करते हैं ना। बीच वाले माइनस 7x की जगह पर हम ये लिखते हैं 5x और 12x, इनके साथ अभी साइन लगाना है। साइन कैसे लगेगा, वापिस यहां आ जाओ, इसके साथ जो निशान है वो है माइनस, इसका मतलब इन दोनों के साइन उल्टे होंगे। यदि यहाँ प्लस होता तो इन दोनों के साइन एक जैसे होते, अभी साइन होंगे उल्टे। तो किसके साथ कौन सा साइन आएगा, उल्टे का मतलब एक प्लस होगा एक माइनस होगा, कौन सा प्लस कौन सा माइनस वो देखने के लिए ऊपर आ जाओ। यह है 7x, इसके साथ निशान है माइनस, तो ये माइनस का निशान इन दोनों में से बड़ी रकम को दे दो। बड़ी रकम को माइनस, 12 को माइनस मिल गया तो 5 को मिलेगा प्लस। अब 1x² और प्लस 5x का एक जोड़ा मानकर इसमें से x कॉमन लो, बाकी बचा x प्लस 5x, में से x बाहर चला गया, बाकी रह गया 5। यह है माइनस, यह है माइनस, तो माइनस कॉमन। 12 और 60 दोनों ही 12 के पहाड़े में आएंगे, तो यहां से बच गया x, माइनस 12 कॉमन, तो बाकी बच गया x, माइनस का माइनस बाहर चला गया था, बाकी रह गया प्लस। 60 को 12 से भाग कर दे तो आया 5 बराबर 0। तो x प्लस 5 और x प्लस 5 कॉमन, यहां से बचा x और यहां से बचा माइनस 12 बराबर 0। यदि इन दोनों को गुना करके 0 आता है, इसका मतलब या तो x प्लस 5 0 के बराबर होगा या x माइनस 12 0 के बराबर होगा। यहां से देखेंगे तो ये आ जाएगा 5, इधर प्लस हो रहा उधर जाके हो जाएगा माइनस 5, यहां देखेंगे तो माइनस 12 है उधर जाके हो जाएगा प्लस 12। तो ये x की दो वैल्यूज आई, लेकिन x क्या है, x है त्रिभुज का आधार। देखिए आधार है x, तो क्या आधार माइनस में हो सकता है, त्रिभुज का आधार है ना, तो माइनस 5 सेंटीमीटर थोड़ी होगा, 0 से तो बड़ा ही होगा ना त्रिभुज का आधार। इसलिए हम ये माइनस वाली वैल्यू को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी एक्स बराबर 12। अब एक्स बराबर 12 से हम क्या समझे, हमें एक्स नहीं निकालना है, हमें क्या निकालना है, दो भुजाएं, करण दिया हुआ है, अन्य दो भुजाएं निकालनी है। तो हम लिखेंगे त्रिभुज का आधार बराबर। अब ये देखिए आधार किसके बराबर है, x के बराबर, और अभी हमने देखे यहां पर x कितना निकाला है 12, तो इसका मतलब x आ गया 12, तो त्रिभुज का आधार आ गया है 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से त्रिभुज की ऊंचाई, त्रिभुज की ऊंचाई देखेंगे तो त्रिभुज की ऊंचाई हमने ली थी x माइनस 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7, यानी कि x है 12, 12 माइनस 7, और 12 में से 7 निकालो तो होता है 5 सेंटीमीटर। अर्थात हमें इस क्वेश्चन में निकालना था त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, और वो जो अन्य दो भुजाएं हैं वो आई हैं 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, हमने त्रिभुज के आधार को x माना, ऊंचाई को x माइनस 7 माना, पाइथागोरस प्रमेय लगाने के बाद हम इसको आगे से आगे हल करते गए, और उसके बाद x की वैल्यू 12 आई, जिसके बेस पर हमने कहा कि त्रिभुज का आधार होगा 12 सेंटीमीटर और त्रिभुज की ऊंचाई होगी 5 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको समझ आया होगा। यदि किसी भी स्टेप से आपको ये क्वेश्चन समझ ना आया हो तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे जाकर एक बार दोबारा देखिए, नहीं समझ आता फिर दोबारा देखिए, इस प्रकार से इस वीडियो को अच्छे से समझिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी, समझ आई, तो हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।